राजस्थान के उदयपुर को झीलों का शहर यानी लेक सिटी कहा जाता है। आज हम आपको यहाँ वाकई एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्नूई झील की सैर कराते हैं। उदयपुर जिला हेडक्वार्टर से तकरीबन 48 किलोमीटर के फासले पर ये जैसमंद झील है। ये ढीबर झील के नाम से भी मशहूर है। यही झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्नूई झील भी है। इस झील को 1687 और 1691 के दरमियान तामीर किया गया था। पानी इसका एकदम साफ क्लियर है। नौ नदी और 99 नाले आते हैं इसमें, जो बारिश के टाइम में चलते रहते हैं, उससे बनता है। ओवरफ्लो होने के बाद में पानी अरब सागर में जाता है। जैसमंद लेक एशिया की सेकंड नंबर की लार्जेस्ट झील है और कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल जो लेक बताते हैं, ये 92 किलोमीटर आपकी फैली हुई है। इस झील का असल नाम ढेबर है, यानी दो पहाड़ियों के दरमियान ढेबर को जोड़कर बनाया गया है। इस झील की तामीर महाराणा जय सिंह ने कराई थी, लिहाजा बाद में इस झील को उनके नाम से मंसूब कर जैसमंद के नाम से पुकारा जाने लगा। मीठे पानी की इस झील में 7 जजीरे हैं। ये झील 36 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहैयत है। इसकी लंबाई 14 किलोमीटर और चौड़ाई 9 किलोमीटर तक है। यहाँ गोमती, छावरी समेत 9 नदियों और 99 नालों का पानी जमा होता है। महाराणा राय सिंह जी ने नाथू द्वारा के आगे है, महाराणा राय सिंह जी ने राजसमंद बनाया था, उसको देख के उसके बेटे ने बोला मैं भी मेरी यादलाश में एक ऐसी चीज बनाऊंगा दुनिया देखेगी। 9 नदी 99 नालों का संगम है। यहाँ तामीर किया गया डैम फने तामीर के नुक्ते नजर से तवज्जा का एक बड़ा मरकज है। डैम पर छतरी भी सैयाहों को रागिब करती है। इस झील में कई फिल्मों की शूटिंग भी की जा चुकी है। महाराणा फतह सिंह ने इस झील के जुनूब की सिमत वाके पहाड़ियों पर कई महल तामीर कराए थे। यहाँ तामीर हवा महल और रूठी रानी का महल बहुत मशहूर है। जैसमंद झील देखने के लिए हर साल बड़ी तादाद में सैयाह यहाँ पहुँचते हैं। आज हम जैसमंद झील देखने आए थे यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत ही साफ और नीट एंड क्लीन झील है। ये इसका जो एरिया है, व्यू है, बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे हम लोग करनी महल के अंदर रुके थे। जैसमंद झील के किनारे एक वाइल्ड लाइफ का महफूज मुकाम भी है। झील में कश्तियों का लुत्फ भी सैयाह लेते हैं। अगर आप भी इस मैन मेड झील को देखना चाहते हैं तो झीलों के इस शहर उदयपुर जरूर तशरीफ लाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।